अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे तो ब्लॉक्स तो अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं, अब हमें करना है ब्लॉक को डिलीट कैसे करेंगे हम, अगर पर्टिकुलर ब्लॉक को किसी को डिलीट करना है या फिर किसी ब्लॉक को एडिट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना होगा जिसपे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करूँ, तो ये वाला जो ब्लॉग है ये एक सेपरेट पेज में ओपन हो, ठीक है, जो ये वाला ब्लॉग है ये सेपरेट पेज में ओपन हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को ओपन करना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को टारगेट करना चाहते हैं तो हम उस ब्लॉक की आईडी के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास हर एक ब्लॉक की आईडी है जो हमने प्राइमरी की क्रिएट की थी। तो चलिए अगर हम इसकी जो आईडी है उसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो मैं आपको डिस्प्ले करवा के बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी ब्लॉक की आईडी को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और हमारे पास हर एक ब्लॉक की यूनिक आईडी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐसे ही सिंपल सी ब्लॉक की ऐसे यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट आईडी, ठीक है, ब्लॉग डॉट आईडी। तो हमारे पास हर एक ब्लॉक की जो आईडी है वो डिस्प्ले होने लगेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा जैसे ही मैं, तो ब्लॉग आई थिंक हमारे पास आईडी आई नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फील्ड थी उसका जो नेम है वो देखना पड़ेगा कि मैंने क्या नेम रखा है। तो यहाँ पे मैंने रखा है ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे मुझे ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग डॉट ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। इसको सेव करके यहाँ से देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके ये देखिए हर एक ब्लॉक की आईडी हमारे पास आ चुकी है। ये इसकी आईडी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो इस आईडी के थ्रू मैं हर एक ब्लॉक को सेपरेटली ओपन कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल मैं जाऊँगा यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग पे, मैं एक और यहाँ पे हरेफ दूंगा ब्लॉग डिटेल, यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है जी। और इसमें इसके साथ मैं भेजूंगा इसकी आईडी, जो ब्लॉग की ये आईडी है इसको मैं भेजूंगा इसके साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको मैं कट करूंगा, कट करने के बाद इसको यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है जी। तो ब्लॉग डिटेल यूआरएल हमें बनाना होगा और उसमें हम इस ब्लॉग को ओपन करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके साथ हम भेज रहे हैं इसकी आईडी को। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने ऐप डॉट पी वाई में, इसको सबसे पहले मैं सेव करूंगा और जो ये वाला जो यूआरएल इसको मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे यूआरएल को यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट, यहाँ पे जाऊंगा मैं सबसे नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल, जो हम जैसे हम अपना करते ही हैं यूआरएल क्रिएट वैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा सिंपल, और यहाँ पे मैं थोड़ा आलसी हूँ इसलिए मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप आलसी बिल्कुल मत बनिएगा। यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है जी, ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल ही है ना, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल, हाँ। और यहाँ पे ब्लॉग आईडी भी आ रही है, तो यहाँ पे मुझे इसकी आईडी को भी फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट आईडी, क्योंकि इसकी जो आईडी है वो इंटीजर टाइप है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट आईडी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी आईडी, मतलब कि हम आईडी को यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग, यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग डॉट क्वेरी डॉट गेट, तो यहाँ पे मैं आईडी को पास कर दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि हम ब्लॉग मॉडल में से उस ब्लॉग को फेच कर रहे हैं जिसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, मतलब कि इस वाले ब्लॉग की जिसको हम यहाँ से कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करके जिसकी हम आईडी को यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसकी आईडी को हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, कहाँ पे इसकी आईडी आ रही है, यहाँ पे इसकी आईडी आ रही है, और इस आईडी के ब्लॉक को हम दोबारा से मॉडल से रिट्रीव कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को, इस ब्लॉक को जो हम डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे हैं, इसको हम किसी दूसरे पेज पे रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न
यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट का नेम जो कि होगा हमारा ब्लॉग डिटेल डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग अंडर स्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग। ठीक है जी, ये अभी हमने टेम्पलेट बनाया नहीं है, मैं क्या करूंगा इस टेम्पलेट को यहाँ पे बनाऊंगा टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है जी, जो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करूंगा न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी, ब्लॉग अंडरस्कोर डिटेल डॉट एच टी एम एल, और इसमें मैं पास कर दूंगा ब्लॉग को। अगर मैं सिंपल यहाँ पे इसको करूं, सिंपल मैं HTML का पेज क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पे मैं लिखूंगा ब्लॉग को मैं सिंपल डिस्प्ले करवा दूंगा, और यहां पे मैं इसका जो डेटा आ रहा है सारा ब्लॉग डॉट टाइटल, ऐसे ही मैं इसको ब्लॉग को यहां पे डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है जी, इसको मैं करूंगा यहां से कॉपी, और यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा, फिर से पेस्ट कर दूंगा, और यहां पे बस तीन बार ही करना है हमें ना। तो यहां पे हमारा आ जाएगा ब्लॉग, पहले आ गया हमारा टाइटल, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑथर, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। ठीक है जी, तो जब मैं करूँगा इसको सेव, और यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई को भी मैं सेव करूँगा, ऐप डॉट पी वाई को भी मैंने सेव कर दिया, तो हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये हमें मैसेज दे रहा है क्योंकि जो ये ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट दो बारी फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मुझे ब्लॉग डिटेल लिखना पड़ेगा, ब्लॉग डिटेल। ठीक है जी, ब्लॉग डिटेल। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके इसको दोबारा से यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करूँगा, तो हमारा जो सर्वर है वो अभी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये देखिए सर्वर जो है अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने होम पेज पे, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो जैसे ही मैं जिस भी ब्लॉग पे मैं कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करूंगा, तो वही वाला ब्लॉग हमारा सेपरेट पेज में ओपन हो जाएगा। चलिए अगर मैं इस वाले ब्लॉग पे कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करूं, ठीक है जी, तो ये देखिए ये वाला ब्लॉग सेपरेट पेज पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड ब्लॉग पे करूंगा तो सेकेंड ब्लॉग हो चुका है, ये देखिए उसकी आईडी भी जा रही है साथ में 2ID। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं थर्ड पे करूंगा तो हमारा ये वाला ब्लॉग भी, ये देखिए थर्ड ब्लॉग भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डेट नहीं डिस्प्ले करवाई, तो हमें डेट भी यहाँ पे डिस्प्ले करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग डॉट पब अंडरस्कोर डेट। ठीक है जी, पब्लिश डेट, तो इसमें इसको सेव करके यहाँ से इसको मैं रिलोड करूंगा, तो ये देखिए हमारी डेट भी नीचे आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे कि यूजर इस ब्लॉग को डिलीट भी कर पाए और इसको एडिट भी कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सिंपल इस कार्ड को ही मैं यूज कर लूंगा सिंपल, क्योंकि कार्ड में ही हम डिस्प्ले करवा देते हैं अपने ब्लॉग को, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्लॉग डॉट एच टी एम एल में, सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज में, और मैं क्या करूंगा सिंपल इस ब्लॉग को यहाँ से उठा लूंगा। ठीक है जी, जो ये वाला हम है हमारा, इसको सिंपल हमें ये कार्ड ही चाहिए। ठीक है जी, तो इसको मैं यहां से क्या करूंगा, उठा लूंगा यहां तक, इसको मैं यहां से करूंगा कॉपी, और यहां पे ब्लॉग डिटेल में इसको मैं कर दूंगा यहां पे पेस्ट कर दूंगा, इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। लेकिन इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे जो फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप्स की वो सेपरेट से लिखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन कि मैं सेपरेट में क्यों लिख। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ब्लॉग डिटेल में मैं सभी बूटस्ट्रैप की फाइल्स को इंक्लूड करूंगा जो कि हमारे मेन डॉट एच टी एम एल में है। तो मैं क्या करूंगा सिंपली इसको यहां से जो बूटस्ट्रैप की हमारी मेन फाइल्स है इसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है जी, तो हमारी बूटस्ट्रैप की एक तो ये फाइल्स है, तो मैं क्या करूंगा इसको यहां से कॉपी करूंगा और यहां पे ब्लॉग डिटेल डॉट एच टी एम एल के ऊपर इसको मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, यहां से इसको मैं यहां पे कर दूंगा पेस्ट, इसको मैं यहां से हटा दूंगा क्योंकि ये हमारी जो लाइंस हैं ये ऑलरेडी ही एडिड हैं, ये देखिए। और
जो नीचे वाली जो फाइल्स हैं इनको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। ये वाली जो फाइल्स हैं हमारी इनको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और इसमें जो नैब बार है नैब बार को भी मैं इसमें सेपरेट से इंक्लूड करूंगा। वो उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे नैब बार को भी सेपरेट क्यों कर रहा हूँ और मैं इसको इनहेरिट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है जी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नैब बार को यहाँ से करूंगा, नैब बार को यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ तक है हमारी नैब बार, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैं ब्लॉक डिटेल में यहाँ पे कर दूंगा, बॉडी के ऊपर यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है जी। और इसको सबसे पहले सेव करके देख लेते हैं हमारे पेज में कि ये अच्छे से नैब बार हमारी बन गई है या नहीं, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से करूंगा रीलोड, पेज को मैं करूंगा रीलोड। तो जैसे मैंने पेज को रीलोड किया तो ये देखिए हमारी नैब बार भी आ चुकी है और हमारा जो पोस्ट है वो भी आ चुका है। लेकिन इसमें हमें कंटिन्यू रीडिंग नहीं चाहिए क्योंकि उसको तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करके हमारा जो पोस्ट है वो ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इससे जो ये कंटिन्यू रीडिंग है इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा कंटिन्यू रीडिंग को। और अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे नैब बार को सेपरेटली क्यों ऐड किया है। क्योंकि नैब बार में हम दो बटन क्रिएट करेंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। तो ब्लॉग डिटेल में जो ब्लॉग ओपन है उसको ही हम यहाँ से एडिट और डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर मैं मेन डॉट एच टी एम एल में एडिट और डिलीट को ऐड कर देता तो एडिट और डिलीट हमें हर पेज पे दिखाई देता, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्लॉग डिटेल पेज है, मतलब कि जो ये वाला पेज है, सिर्फ इसी पे हमें एडिट और डिटेल दिखाई दे। तो इसलिए मैं इसी नैब बार पे ही एडिट और डिलीट के बटन्स को ऐड करूंगा, ठीक है।